सो दोस्तों, हम सब ने तो कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया रहेगा, और हम लोगों को एंड्रॉयड कैलकुलेटर्स और स्टॉक एंड्रॉयड कैलकुलेटर्स को तो अच्छे से डिफरेंशिएट करना आता होगा। बट कभी कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि ये थोड़े बहुत कैलकुलेटर्स बहुत ही ज़्यादा बैक एज में, इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं है और उनके अंदर उतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है शाश्वत, आप देख रहे हैं टेक फाइबर, और आज इस एक ऐप के बारे में, एक ऐसा कैलकुलेटर जिसका नाम है ऑल इन वन कैलकुलेटर, उस ऐप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस ऐप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मैं बताऊँगा, और फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, इसको आप पक्का अपने फ़ोन में एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑल इन वन कैलकुलेटर नाम के इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। एक्चुअली ये प्ले स्टोर पर एकदम फ्री है, आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। कुछ ऐसा ये कैलकुलेटर है जब ये ओपन होता है, ये इसका फर्स्ट लुक है। एक्चुअली मैंने इसको रीसेट किया था, सो इसका ये फर्स्ट लुक है, और ये कुछ ऐसा दिखता है लेआउट में, लैंडस्केप में। अगर आप इसको पोर्ट्रेट में करेंगे तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बहुत ज़्यादा सिस्टमाइज दिखेगा, क्योंकि मेरे टैबलेट की स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी है। सो उसकी वजह से ये अपने कंटेंट्स को और भी ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है। सो यहाँ पे ये मुझे एक बटन दिखा रहा है, जिसको मैं टैप करके कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ। अगर मैं इसको टैप किया, सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मेमोरी रीडिंग्स भी मिलते हैं, और यहाँ पे कीपैड भी मिलता है बड़ा अच्छा सा, ये डिलीट बटन, ऑटोमेटिक क्लियर ऑप्शंस, और मल्टीप्लिकेशन साइंस और प्लस माइनस, वो सब साइन कॉस टैन इनवर्स, और बहुत सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। डेक हेक्सा और बाइनरी इक्वेशंस भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। सो एक तरीके से बहुत ही अच्छा ऐप है। बट इसके अंदर एक कॉन ये है कि इसके अंदर नीचे आपको एक ऐड हमेशा आता होगा, चाहे आप ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, ऐड तो ऐड है, वो आपको नीचे दिखाएगा। सो चलते हैं उसके मेन मेन्यू में, और यहाँ पे मुझे बता रहा है और भी ज़्यादा कलर्स हैं। अगर मैं ब्रश आइकन को टैप करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कलर्स मिल रहे हैं। मुझे तो डार्क पसंद है, सो डार्क कुछ ऐसा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन लाइट में मुझे सिर्फ और सिर्फ टील पसंद है, तो फिर मैं उसको सिलेक्ट किया। और चलते हैं बैक, और भी यहाँ पे मुझे ये बताने नहीं वाला, क्योंकि अभी अब इसका प्रोसेसर हो गया है। सो इसके अंदर आपको मिलते हैं बहुत सारे टैब्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, यूनिट कन्वर्टर्स, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, हेल्थ, मिसेलेनियस। सो ये सारे इसके अंदर बहुत सारे पहले से सेट कैलकुलेटर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी भी चीज़ का मीन्स एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो फिर मैं एवरेज को टैप कर सकता हूँ, जो अलजेब्रा टैब में मिलेगा मुझे, और फिर बाद में मैं यहाँ पे अपने वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एवरेज निकालना चाहता हूँ कोई भी नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल ईजी नंबर लेता हूँ, 10 और 20। सो 10 और 20 का तो मुझे पता है कि वो होता है 15। सो देखते हैं ये कर पाएगा या नहीं, और भी इसके अंदर ऐड करते हैं, और 20। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये कैलकुलेटर बार बार नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मुझे ये मीन दिखा रहा है 15, और 15 तो अरिथमेटिक मीन हुआ, ज्योमेट्रिक मीन 14.14 है, हार्मोनिक मीन, और भी सारे मीन्स होंगे जो मुझे भी नहीं पता है, और बहुत सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। टोटल 2 है, मीन्स डिजिट्स, हाईएस्ट 10 है, लो हाईएस्ट 20 है, और लोएस्ट 10 है। सो वो भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक फेवरेट बटन मिल जाता है यहाँ पे, जिसको आप टैप करके उधर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको फटाक से मिल जाए, वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। और भी इसके अंदर हैं, मैं चलता हूँ ज्योमेट्री में, और ज्योमेट्री में आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल आप राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी शेप का पेरीमीटर या फिर एरिया निकालना चाहते हैं, तो फिर आप उसको टैप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉल्यूम और हेरन्स फार्मूला भी मिलता है। सो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया है इस कैलकुलेटर ने। मैं इस ऐप को कम से कम 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा ऐप लगा है, और साथ ही साथ जिसके इतने अपडेट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसके अंदर आप अपने मीन से जितना भी करेंसी रहता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, फाइनेंस टैब में वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आप अपने हेल्थ को भी रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसके अंदर बीएमआई निकाल सकते हैं, डेली कैलोरिक बर्न आप निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बॉडी फैट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, और मिसेलेनियस में इलेप्स टाइम, जो बता सकता है कि कितने दिन बचे हैं, या फिर एक तारीख से दूसरी तारीख तक कितने दिन आपको मिलेंगे, वो ये बता सकता है।
साथ ही साथ चलते हैं इंजीनियरिंग टैब में। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये ऐप आपके पास होना चाहिए। ओम्स लॉ और बहुत सारे आपको यहाँ पे फिजिक्स के फॉर्मूला मिल जाते हैं। सो या गाइस, इस ऐप को आप पक्का अपने फ़ोन में एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ऐप पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको नीचे से डाउनलोड कीजिएगा। एक्चुअली इसके एडवांटेज ये हैं कि आपको ये एक साथ सारे के सारे चीज़ें लेके ला देता है। साथ ही साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मींस डेटा सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम भी है, जिसकी वजह से आप करेंसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे करेंसी में, वो भी अपडेट करके। और इसके अंदर हर चीज़ फ्रेश मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो फिर इसके अंदर आप अपने मन की सेटिंग्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप डार्क चाहिए या फिर लाइट चाहिए। वेल, मैंने एंड्रॉयड का स्टॉक कैलकुलेटर अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था जो बनाता है गूगल LLC, सो उसके अंदर बहुत ही कम मुझे मिला और मुझे ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। वेल, इतना ही चीज़ है। सो एक तरीके से बोरिंग को ये अच्छा कैलकुलेटर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, साथ ही साथ इसको आप इंस्टॉल कीजिएगा अपने फ़ोन में। अगर आपका कोई भी कमेंट होगा मेरे मीन्स क्वेश्चन होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर मेरे से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ नीचे डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में और उसको मैं अपनी FAQ वाली वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो मीन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए टेक फाइबर का, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जैसे लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो या गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलूंगा अपने नए वीडियो में। थैंक्स एंड बाय।